सुपर फास्ट खबरों की ओर। 10 लाख की लागत वाला खेल मैदान चढ़ा, भ्रष्टाचार की भेंट, ग्रामीणों ने जब आरटीआई में जानकारी मांगी तो सामने आई हकीकत। छैगांव माखन जनपद क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जनपद क्षेत्र में सरपंच सचिवों द्वारा बड़े स्टार पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई पंचायतों में सरपंच सचिव और अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों पर ही तमाम बड़ी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और ग्रामीणों को मिलने वाली योजनाओं से ग्रामीण वंचित। ऐसा जी ताज़ा मामला ग्राम पंचायत भोजखेड़ी का सामने आया है, जहां सन 2014 में तत्कालीन सरपंच सचिव द्वारा 10 लाख की लागत से बनने वाले खेल मैदान को कागजों में बना दिया और पूरी राशि हजम कर गए। ग्रामीणों ने बताया कि जब हमने आरटीआई में जानकारी निकली तो पता चला कि मिडिल स्कूल के आगे पटवारी हल्का नंबर 28/46 जो कि शासकीय भूमि है उस पर खेल मैदान बनाने की स्वीकृति प्रोजेक्ट क्रमांक 3/6 स्वीकृति आदेश क्रमांक 2253 की TS 10 जनवरी 2014 को जारी कर 10,28,000 की लागत से खेल मैदान बनाना बताया है, लेकिन हकीकत में उस स्थान पर पानी का तालाब है जहां गांव के मवेशी पानी पीते हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने छैगांव माखन जनपद CEO और खंडवा कलेक्टर को भी शिकायत की है। अब देखना यह है कि सरपंच सचिव और उस समय कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही होती है या नहीं। बताएं विक्रम जी, आपके घर के पास रोड सेंक्शन हुआ था, सीसी रोड। बना कि नहीं बना? नहीं बना है। क्या कारण है बताएं? कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, कागज पे सिर्फ बना हुआ है, पैसा निकल चुका है, बाकी पूरा इंजीनियर सरपंच सचिव हजम कर गए। बताएं क्या समस्या आपके यहाँ, ये रोड पूरा क्यों नहीं बना? हमारे यहाँ की समस्या फत्तू पटेल जी के घर के पास से जो देवगिरी मार्ग का रोड बनाने वाला थे, उन्होंने आधी दूर तक रोड बनाया, उसके बाद में फिर तो नाली निर्माण कागज में लिख दिया, बाकी नाली निर्माण भी नहीं हुआ ना पूरा रोड हुआ, और आज तक भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे और जो स्कूल के गांव के जो जाते हैं वो पूरे कीचड़ में से होते हुए जाते हैं। बताइए, ये आपके जो खेल मैदान है, आपने शिकायत करी ग्रामीणों ने, आरटीआई लगाया, इसके माध्यम से बताया गया है कि यहाँ कमरे बने, खेल मैदान बना, यहाँ तो तलैया है, तालाब है, और यहाँ गिट्टी खदान के लिए पत्थर खोदे जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ग्रामीणों को ज़्यादातर तो कुछ पता नहीं था वहाँ पर कुछ काम चला, उसके बाद में जानकारी हमने खेल मैदान के लिए मांग की तो पता चला कि यहाँ पर 10,28,000 रुपये का वो खेल मैदान बन चुका है, पर इसके लिए हमने फिर आरटीआई से मांग की, तब जाके पता चला कि यहाँ पर बन भी गया और वो खेल मैदान और वहाँ पर बना हुआ भवन चोरी भी हो गया, पता ही नहीं चला, चोर आज तक नहीं मिला, उसको बनने को करीब 7 से 8 साल के लगभग हो गए, पर सरकारी अमले का कोई ध्यान नहीं है, ये सोच क्या, ये सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है देश का।